हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज में आयोजित वार्षिकोत्सव व छात्रा संघ समारोह में राज्य के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्राओं द्वारा मंत्री के समक्ष विभिन्न मांगों को रखा गया, जिस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि वह छात्र छात्राओं के प्रतिनिधि के तौर पर शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और उनकी मांगों को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के फरार होने पर दुग्ध मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरी तत्परता से कार्रवाई की है। महिला द्वारा जैसे ही दुग्ध अध्यक्ष पर आरोप लगे, उसके तत्काल बाद 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा उनके घर में मुनादी कार्रवाई की गई और कल उनके घर की कुर्की भी हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा लगातार लगाए जा रहे आरोप गलत है, सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रीति दी अपनी बहन जो अध्यक्ष हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया है मुख्य अतिथि के रूप में और सबके बीच में रह के बहुत अच्छा लगा। मांगे हैं इनकी कुछ, इन्होंने कुछ सरकार के सामने इन्होंने कुछ डिमांड रखी हैं और मैं ज़रूर इनका प्रतिनिधि बन के माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के समक्ष इनकी मांगों को रखूँगा और जितनी भी मांगों को पूर्ण किया जा सकेगा ज़रूर उस पर कार्रवाई कराएंगे। लगा ये कहना कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये मैटर आया 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करी गई है, उसके बाद पॉस्को की इसमें ऐड की गई है दफ़ा, और उसके साथ साथ लगातार कुड़की की कल जो है कार्रवाई करी गई है। हमारे सरकार में वो मनोनीत थे अध्यक्ष फेडरेशन के, उनको वहाँ से हटाया गया है। तो देखिए, सरकार का एक स्पष्ट मत है कि कभी भी महिला के ऊपर कोई भी आरोप, और स्पेशली जब महिला के ऊपर कोई आरोप का संज्ञान लिया जाता है तो उस पर सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी का सदस्य हो।